ठीक है गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो इस टाइम हम हैं अमेठी में और सेकंड टाइम आए हुए हैं अमेठी लाइफ में। काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी एक्साइटेड हैं यहाँ पे घूमने के लिए, क्योंकि पिछले बार जब एक साल पहले आए थे तो काफ़ी प्लेसेस छूट गई थी, तो आज उनको भी कवर करेंगे, घूमेंगे। और मेरे साथ साथ आप भी इस व्लॉग में देखेंगे काफ़ी बेस्ट प्लेसेस। तो इस टाइम देख सकते हैं बहुत ही हिस्टोरिकल जगह पर अभी हम खड़े हुए हैं, और इसको हमने नेट पर काफ़ी देखा था और बहुत ही ख़तरनाक। ये देख सकते हैं कितनी हिस्टोरिकल चीज़ है, देख सकते हैं ये है बावली और बहुत ही हिस्टोरिकल है। अभी हम आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं ये पूरी लोकेशन। तो ये है गाइस बावली, देख सकते हैं ये एक प्रकार का कुआं है जो कि पुराने समय में राजाओं के टाइम पे बनाया गया था। इस टाइम तो काफ़ी गंदा पानी है, काफ़ी जीव जंतु इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी कूड़ा कचरा भी है, लेकिन बहुत ही बड़ा है, देख सकते हैं क्या चीज़ है ना। तो गाइज अभी अमेठी में हमें एक भैया मिल गए हैं, यही हमको लेकर आए हुए हैं यहाँ तक। आपका नाम क्या है? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र कुमार भैया का नाम है, और इन्होंने ही बताया कि ये लोकेशन इस जगह पे है, तो दोनों लोग अभी साथ आए हुए हैं। तो गाइज सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है अमेठी आकर, और ये प्लेस देख कर ना सच में मतलब अंदर से बहुत ही बेटर फील हो रहा है, क्योंकि जब हम कोई यूट्यूब पर नेट पर देखते हैं तो एक्साइटमेंट रहती है ना कि कभी लाइफ में तो इस जगह पर जाएँगे ही। तो फाइनली इस जगह पे अभी हम टहल रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस आपको हर ज़िले के अंदर देखने को मिलती है। सबकी अलग एक अपनी पहचान होती है, अलग खासियत होती है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है, तो चलते हैं अमेठी की दूसरी लोकेशन पर घूमने के लिए। और मेरे पीछे यहाँ पर आपको दो कॉलेज देखने को मिलते हैं इसके बावली के जस्ट बगल में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब यहाँ से हम निकलते हैं। अभी हम देवी पाटन मंदिर के पास पहुंच चुके हैं, चलते हैं अंदर दर्शन करते हैं। तो अभी हम देवी पाटन मंदिर के अंदर आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। बहुत ही प्यारा मंदिर है अमेठी ज़िले का, और ये माता जी का मंदिर है, जय माता दी। और यहाँ पे हम सेकंड टाइम पे आए हुए हैं, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे मंदिर आपको देखने को मिलते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे, काली माता का मंदिर है ये। शनि देव का मंदिर है, जय बाबा की। अभी हम चल रहे हैं सती महारानी वाटिका के अंदर, और ये जगह अभी नहीं हमको मालूम चली है, तो चलते हैं देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं सती महारानी के मंदिर में, देख सकते हैं मेरे पीछे कितना प्यारा मंदिर है, बहुत ही फेमस है अपने अमेठी ज़िले का, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये एक प्रकार का बाग है, यहाँ पर आपको अमरूद के, आम के बहुत सारे पेड़ देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है सती महारानी वाटिका। वाटिका का मतलब बाग ही होता है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ये मंदिर काफ़ी फेमस है, काफ़ी इसका नाम सुने, नेट पे भी हमने सर्च किया था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी हम आपको बैक कैमरे से पूरी लोकेशन दिखाते हैं ये। और ये है गाइस सामने सती माता का मंदिर, इनका अपना एक अलग इतिहास है, आपको हम बताएँगे भी आगे चल के वीडियो में। बाकी बहुत ही प्यारा लग रहा है, देख सकते हैं पूरी ये बाग में मंदिर बना हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आपको काफ़ी पेड़ देखने को मिलते हैं, अमरूद के, आम के, जामुन के, कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है, सच बता रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद जब हम कोई नई प्लेस पे जाते हैं ना, तो ऐसे ही मस्त मस्त चीज़ें देखने को मिलती हैं,
और यहाँ पर आपको अमरक का भी पेड़ देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं। मुझे लगता है आंवला का पेड़ है, काफ़ी बढ़िया है, पूरा एक प्रकार का बाग है। इस मंदिर का इतिहास ये है कि 1842 में अमेठी के जो चौथे राजा थे वो विशेश्वर सिंह जी थे, और वो निसंतान थे, और उनकी मृत्यु होने के बाद उनकी जो धर्मपत्नी थी रानी, उन्होंने उनका शव लेकर अग्नि में सती हो गई थी। इस वजह से इस जगह को और इस मंदिर को सती माता के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद ही यहाँ पर हर गुरुवार को वैवाहिक जोड़े दुर्दुरियाँ का आयोजन भी कराते हैं, और ये जगह पूरे अमेठी ज़िले के आसपास काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। तो अभी हम आम की बाग में टहल रहे हैं जो कि इसी मंदिर के अंदर है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और फर्स्ट टाइम पे यहाँ पर आए हुए हैं। बताते हैं कि बहुत ही फेमस मंदिर है अमेठी ज़िले का, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है सच में। तो गाइज अभी देख सकते हैं कि इस बाग में टहल चल रहा है, बहुत मस्त लग रहा है यहाँ पर, और मेरा भी मन नहाने का कर रहा है, लेकिन अब दूसरे ज़िले में कहाँ नहा सकते हैं। और गाइज सच में ये जगह बहुत ही प्यारी लग रही है, देखिए पानी कितना प्यार से बह रहा है, और ये पूरी बाग है, बहुत ही बड़े एरिया में है, चारों तरफ से बाउंडेशन भी है, और ये प्यारा सा मंदिर है। तो अभी हम मंदिर के गेट से बाहर निकल रहे हैं। तो इस टाइम रामनगर में खड़े हुए हैं, और ये अमेठी ज़िले के अंदर ही आता है, और बगल में ये राजमहल है जो कि अमेठी ज़िले के जो भी पुराने समय के राजा थे उनका ये राजमहल है। अंदर तो परमिशन नहीं है जाने की, लेकिन बाहर से ही अभी हम घूम रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हम बाहर से आपको ये राजमहल दिखा रहे हैं, ये देखिए सामने बहुत ही प्यारा है, लेकिन बंद है, अंदर जाने की परमिशन है नहीं, लेकिन बहुत ही सुंदर है। तो अभी हम चल रहे हैं रामनगर में, रामनगर कस्बा है, और इसी कस्बे में अभी हम चल रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी दरगाह, जो कि काफ़ी फेमस है अमेठी ज़िले के अंदर। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं मलिक मोहम्मद जायसी दरगाह के सामने, और यहाँ पर आपको काफ़ी दुकानें देखने को मिलती हैं, अगर आपको चादर वगैरह चढ़ाना प्रसाद लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो जैसा कि अभी इस टाइम हम मलिक मोहम्मद जायसी की दरगाह में हैं, अभी हमने अंदर दर्शन कर लिया है, और काफ़ी प्यारी आप देख सकते हैं मलिक मोहम्मद जायसी जो कि कवि थे, और उनका शायद जन्म असली यही है। और ये है सामने देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत दरगाह है मलिक मोहम्मद जायसी जी की, और काफ़ी बड़े एरिया में भी है। और ये सामने दरगाह है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ें बैठने की व्यवस्थाएं देखने को मिल जाएंगी, काफ़ी मज़ा आ रहे हैं यहाँ पे, और दुकानें वगैरह भी काफ़ी यहाँ पर बनी हुई हैं। और अभी हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं ना, एक साल पहले इसी जगह पर खड़े हुए थे जब हम आए थे, और यहाँ पे आने के बाद बहुत ही बेटर फील हो रहा है, क्योंकि जब हम कोई प्लेस को सेकंड टाइम पे विज़िट करते हैं तो कुछ अलग ही अनुभव प्राप्त होता है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आज अमेठी घूमकर, और ये जगह भी काफ़ी खूबसूरत। और ये सामने एक मज़ार है, और ये जगह वास्तव में बहुत ही खूबसूरत है। सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी जी थे, उन्हीं की ये दरगाह है, काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आपको काफ़ी पेड़ भी मिल जाएंगे फूल वगैरह के। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं अमेठी के मेन चौराहे पे, और अभी थोड़ी दूर पैदल भी चलना होता है मेन रोड पे रामनगर के, तो वहाँ से हमें ऑटो मिल जाएगा, तो हम चौराहे तक जाएंगे। तो अभी इस टाइम हम खड़े हुए हैं अमेठी रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने, और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये रेलवे स्टेशन। जब भी हम बनारस वगैरह जाते थे तो ट्रेन से देखते थे, लेकिन आज यहाँ पर विजिट किए हैं तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और अभी अंदर से देखते हैं, अगर जाने को मिलता है तो अंदर से कुछ यहाँ के नज़ारे आपको हम दिखाते हैं। और सच में काफ़ी प्यारा लग रहा है अमेठी रेलवे स्टेशन, और ये है अमेठी रेलवे स्टेशन के सामने का गेट, यहाँ से आप सीधे जाएँगे तो आप अमेठी सिटी के अंदर विजिट करेंगे। और ये है सामने रेलवे स्टेशन अमेठी का प्लेटफॉर्म, काफ़ी बढ़िया बना हुआ है। तो अभी हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं अमेठी रेलवे स्टेशन के, और पूरी सिटी घूम लिया है, जो भी मेन मेन प्लेसेस थी वो हमने घूमा है, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया,
और धूप अब काफ़ी तेज़ हो गई है, लेकिन अब शाम भी होने वाली है तो धीरे धीरे शाम हो जाएगी और अभी हम घर के लिए वापस निकल जाएंगे। और जैसा कि आपने देखा होगा कि इस मंथ में हमने काफ़ी ट्रिप की हैं, प्रतापगढ़ गए, फतेहपुर गए, लखनऊ गए और फाइनली अमेठी भी आ चुके हैं। अभी देखते हैं कि ये मंथ ख़त्म होते होते हम कहाँ और घूमने के लिए जाते हैं। तो बस यूं ही आप प्यार देते रहें और ब्लॉग्स अगर आपको पसंद आया करो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। और चैनल पे अगर आप हमारे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिल सके।